الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صدر جي وقار اور تمام حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات میری تقریر کا عنوان ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत का माने क्या होता है? रहमत यानी रहम फरमाने वाला, जो मेहरबानी करता है, जो मदद करता है। और कुरान कह रहा है महबूब रहमतुलिल आलमीन है, यानी तमाम आलम के लिए रहमत, तमाम आलम पर रहम फरमाने वाले, तमाम आलम की मदद करने वाले। अब अगर कोई कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं कर सकते, गोया वो इस आयत का इनकार कर रहा है। तभी तो शायर कह रहा है वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी आलम पसंद आया। रहमतुल आलमीन यानी तमाम आलम के लिए रहमत, ज़मीन वालों के लिए रहमत, आसमान वालों के लिए रहमत, चाँद के लिए रहमत, सितारों के लिए रहमत। अब रहमत करने वाला कौन होता है? अगर कोई रहमत करने वाला है तो वह ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला है, ज़रूरतमंदों पर रहम करने वाला है। जब कुरान कह रहा है महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, हर आलम पर, हर मखलूक पर, हर लम्हे के लिए रहमत है, तो मानना पड़ेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। यानी ऐसा नहीं कि हुज़ूर सल्लम किसी दौर के लिए रहमत है, अब रहमत नहीं है, ऐसा नहीं, हर लम्हा हर वक्त के लिए रहमत है। रहमतुल आलमीन होने के लिए उम्र में हर आलम से, हर शय से बड़ा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई किसी की ज़िंदगी के लिए रहमत है तो वो उससे उम्र में बड़ा हो, तभी तो उसकी ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए रहमत है। तो मानना पड़ेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम से पहले है। हदीस पाक है अव्वलहु खलकल्लाहु मिन नूरी, यानी हुज़ूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। क्या सुना तुमने, मैंने क्या कहा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से पहले बछड़ी लिबास में आए तो, लेकिन इसके पहले के तमाम नबियों के लिए, तमाम आलम के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। क्योंकि कुरान कह रहा है वमा अरसलनका इल्ला रहमतुलिल आलमीन, वो हर आलम के लिए रहमत है, हर आलम के लिए रहमत है। तो मानना पड़ेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम से पहले है, लेकिन रहमतुल आलमीन होने के लिए सिर्फ उम्र में बड़ा होना भी काफ़ी नहीं, इसके मजीद तकाजे है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, तो मानना पड़ेंगे जब तक आलम जिंदा, हुज़ूर भी जिंदा, जब तक कायनात का वजूद है हुज़ूर जिंदा है, तभी तो कुरान मजीद कह रहा है वमा अरसलनका इल्ला रहमतुलिल आलमीन, वो हर आलम के लिए रहमत है, हर आलम के लिए रहमत है। रहमतुल आलमीन होने के लिए उम्र में बड़ा होना भी ज़रूरी है, जिंदा होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। रहमतुल आलमीन होने के लिए ये भी काफ़ी नहीं है, इसके मजीद तकाजे और भी है। रहमतुल आलमीन होने के लिए ये भी काफ़ी नहीं है, इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा। हे लबे ईसा पे जा बख्शी निराली हाथ में, हे लबे ईसा पे जा बख्शी निराली हाथ में, पाते हैं संग रहते यहाँ शेरी मकाली हाथ में, मालिके कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नियामत है इनके खाली हाथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।